नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचारों पर। मोदी सर्वाधिक मजबूत भारतीय नेता। अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर जॉन मैकिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जीवन काल के संभवतः सबसे मजबूत भारतीय नेता के रूप में उभरे हैं। सीनेटर जॉन मैकिन ने कहा कि मैं वास्तव में नए नेता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूं। मोदी शायद पहले ऐसे मजबूत नेता हैं जिसे मैंने अब तक के जीवन काल में भारत में उभरते हुए देखा है। वर्ष 2008 के राष्ट्रपति पद के चुनावों के उम्मीदवार रहे जॉन मैकिन ने सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के समक्ष कहा कि अमेरिका को भारत के साथ और अधिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। हड़ताली नर्सों से यह क्या बोल रहे गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने आंदोलन कर रही नर्सों को सलाह दी कि उन्हें धूप में भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह उन्हें काला बना देगा और शादी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। नर्स अनुषा सावंत ने कहा कि जब हमने अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को तेज धूप में भूख हड़ताल पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनका रंग काला हो जाएगा और वो अच्छा वर नहीं पा सकेंगी। भारत ने यमन से करीब 350 भारतीयों को निकाला। युद्धग्रस्त यमन के अदन शहर से भारतीय नौसेना के जहाज पर करीब 350 भारतीयों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। यह जहाज इन लोगों को यमन के पड़ोसी देश जिबूती लेकर रवाना हुआ। यमन में बढ़ती हिंसा के बीच अंधेरी रात में इस अभियान को अंजाम दिया गया। इससे पहले भारत को मंगलवार रात अदन से करीब 400 भारतीयों को निकालने के लिए अदन पट्टन पर अपना जहाज खड़ा करने की मंजूरी मिल गई थी। सरकार ने संघर्ष प्रभावित यमन में फंसे 4000 से अधिक भारतीयों को निकालने के लिए बड़ा हवाई और समुद्री अभियान छेड़ा है।